प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से शुरू हुए सेवा पखवाड़े के अंतर्गत राज्य भर में आयुष्मान भव अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने राजकीय महाविद्यालय पाबो में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए कैंप भी लगाए गए। इस कार्यक्रम में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर पंकज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन से शुरू हुए सेवा पखवाड़े के अंतर्गत पूरे उत्तराखंड में आयुष्मान भव अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अधिक संख्या में लोगों ने स्वेच्छा से ही रक्तदान किया है। आजकल जैसा कि आप सभी को पता है, आयुष्मान भव कार्यक्रम हमारा चल रहा है, जिसके अंतर्गत आभा आईडी, आयुष्मान कार्ड, ऑर्गेन डोनेशन की प्लेज और ई रक्त कोष पोर्टल में एंट्री हो रही है। तो जिसके अंतर्गत अभी तक पूरे पाबो में लगभग 5,500 से ज्यादा लोगों ने आभा आईडी बनवा ली है और आयुष्मान कार्ड भी लगभग 150 अभी तक बन गए हैं और ई रक्त कोष में एंट्री लगभग हमारी 173 के आसपास हो गई है और ऑर्गेन डोनेशन की जो प्लेज है वो 21 लोगों ने ले ली है। तो मैं सभी से ये अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाए। लगातार हमारी ANMs आशाएँ फील्ड में हैं, CHOs हमारे काम कर रहे हैं, घर घर जाके IIT बना रहे हैं, आयुष्मान कार्ड के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, CSC वालों से हमारी लगातार बात चल रही है। तो सभी मेरे हिसाब से फ़ायदा उठाए इस चीज़ का और ज़्यादा से ज़्यादा